हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीबी फ्लावर। आज मैं बात करने जा रही हूँ फाइव एलिमेंट्स के बारे में, जिसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं है क्या कहते हैं। पंचभूत बोलते हैं। पंचभूत। ओके, पंचभूत के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे कि फाइव एलिमेंट्स है क्या, और इसको साइंस रिकग्नाइज भी करता है कि नहीं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि साइंस एज सच ये बोलता है कि फाइव एलिमेंट्स हैं, करके पीरियोडिक टेबल है ना उसमें, तो जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स उन्होंने डाले हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, मतलब उनको और तोड़ा नहीं जा सकता है तो करके। केमिकल एलिमेंट्स है ना, वो सब तो केमिकल एलिमेंट्स है, बट आई थिंक वो डिफरेंट है जो हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जो एलिमेंट्स ट्रांसलेशन है ना। लेकिन हाँ, वो ट्रांसलेशन है। तो पंचभूत जो बोलते हैं, जिससे बने हो, जैसे बोलते हैं मिट्टी से बने हो बोलते हैं ना, हाँ, मिट्टी से बने हुए। जैसे तुम देखोगे तो आई थिंक क्वालिटी से हुआ है ना वो। जैसे मैटर, जो मेन मैटर जो है, विच कोई भी केमिकल हो सकता है उसमें, राइट? तो हाँ पीरियोडिक एलिमेंट में आई थिंक सिर्फ मैटर से रिलेटेड है, हाँ वो सब मैटर रिलेटेड है, राइट? वो है जो अर्थ वाला जो है, वो जो बोलते हैं। हाँ सब कुछ अर्थ का ही है। लेकिन नेक्स्ट आता है, लेकिन वाटर वाला, जो जल वाला जो है ना, पानी, और उसके बाद फायर जो रहता, अग्नि। अग्नि, एनर्जी बोलते हैं। हाँ, वो अग्नि सिर्फ आग नहीं है, अग्नि इज लाइक वो जो वार्म भी हो सकता है, राइट? तो अग्नि इज द हाँ फायर विद इन। तो मेरा फ्रेंड एक बचपन में बता रहा था ऐसे कि फायर वो देख के फैसिनेटेड रहता था। वो बोलता था कि देखो आग कैसा है, देखो उसका कलर देखो कितना यूनिक है। तो इंडिया में तो कैसे कहीं भी लगता था ना, जब हम बैठे रहते क्लास में, खिड़की से बाहर देखे तो वहाँ किसी पार्क में आग लगा दिया है, वो ऐसे जले जा रहे हैं, और हाँ, पता पत्ती नहीं। वगैरह को ना। हाँ, तो हम वहाँ क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं कि क्लास लेक्चर चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, वहाँ देखो आग देखो तो कैसे है, ये कितना यूनिक कलर है ना। वो बता रहा है कि कैसे वो जलता है, क्या है, जैसे कन्वर्शन हो रहा है वहाँ, हाँ राइट? वो मैटर बदल रहा है गैस पे, और थोड़ा ये मैटर का चेंज हो रहा है ना, बेसिकली वो मैटर हाँ चेंज मैटर हो रहा है, चेंज हो रहा है एनर्जी में। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन वो है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, वो कुछ चल रहा है, राइट? आग हाँ जो है, अग्नि, तो अग्नि से तुम याद है तुम्हें, तो वो भी बहुत फैसिनेटेड रहते थे, जो पंडित जी आए थे एक बार हवन करने। हाँ, हमारे यहाँ ना। हाँ वो बोलते थे कि देखो अग्नि ने पकड़ लिया करके, हाँ राइट? और ऐसे एक लेजेंड भी है ऐसे कि अग्नि, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ। वैसे तो अभी तुम फायर स्टार्ट कर रहे हो इससे, कौन सा, तुम एक्सटर्नल सोर्स से करते हो ना, अभी जो हाँ फ्लेमेबल फ्लेमेबल चीज़ों से करते हैं, चीज़ों से, ये जो केमिकल फॉस्फोरस गैस वगैरह। वाला या गैस, इनसे अग्नि, लेकिन एक्चुअली अग्नि को इन्वोक करके अपने आप होना चाहिए। हाँ ना, पहले ऋषि वगैरह मंत्र करते हाँ, ऐसे हमने थे वो देखा था करने ना, के वो लिए। सब हाँ अग्नि को आह्वान करना चाहिए कि यू हैव टू इन्वोक, बुलाना चाहिए करके। तो वो तो एनीवे कुछ और फैंटेसी में चला गया, वो तो रियलिटी में तो, लेकिन मैंने कहीं तो कहीं पढ़ा था कि ऐसा है कि कर सकते हो करके। हाँ, नहीं तो नेचर में तो ऐसा होता है ना, तो उसी को तो वाइल्ड फायर बोलते हैं। जब गर्मी में जो बहुत ड्राई वेजिटेशन होता है, ड्राई मतलब घास, सूखी हुई घास में अपने आप आग लग जाती है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो। उसी को लाइटनिंग से भी तो लगता है ना, लाइटनिंग से बिजली भी गिरने से लगती है। भी। हाँ, हाँ, बिजली गिरने से भी लगती है, तो वो तो है। और आग, जैसे यूजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पुराने जमाने में फायर दे कुड नॉट कंट्रोल एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग करके, डिसमिस कर रहे थे इसको, अच्छा, क्योंकि कि कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुमने वर्शिप करना शुरू कर दिया, सन को भी वर्शिप करना शुरू कर दिया तुमने। तो वो एक रीजनिंग है जो, बट एट द सेम टाइम वो द कंट्रोल नहीं कर पाओ, क्योंकि एलिमेंट ऐसा है, उसका नेचर से तुम डिफाइन कर रहे हैं, राइट? कि उससे क्या होता है तुम्हें इम्पैक्ट, उससे तुम उसको डिफाइन कर रहे हो, इन सबको
एलिमेंट्स को बेसिकली. तो वो जल क्या था, जल वायु और पृथ्वी, पृथ्वी और अग्नि और वायु तो हमने डिस्कस नहीं किया ना. वायु तो वायु नहीं एर, किया एयर है. हाँ. एयर या विंड है वो, या एयर बोलते हैं, विंड तो नहीं बोलते. विंड तो मतलब एयर. ये ट्रांसलेशन मुझे लग रहा है, ये सब ट्रांसलेशन है, क्योंकि वायु को ये भी बोला जाता है ना, जो सांस जो चल रहा है. हाँ. उससे रिलेटेड भी है. अच्छा. कि वायु वाला जो इन सब, इसीलिए इन सब को डिवाइन एंगल दिया गया है ना. हाँ. तो ये सब देव है. हाँ, देव है करके, क्योंकि मैंने जो क्रिएशन पॉडकास्ट इंग्लिश में बनाया था उसमें तो वही है बेसिस ना. हम लोगों का, जैसे ह्यूमंस का जिंदगी का बेसिस वही है, पांच एलिमेंट. हाँ. तो अर्थ जो है, लेकिन वो मदर अर्थ बोला जाता है ना, कि सॉइल सॉइल या पृथ्वी, भूमि भूमि. हाँ, भूमि है. भूमि भूमि बोलते हैं. तो मदर अर्थ था, जो कही मैंने वो भी सुना था एक, इसमें सदगुरु वाले इसमें, कि मदर अर्थ कुछ देती नहीं है कंसेशन, बट थोड़ा सा तुम ले सकते हो अगर कुछ. तो उन्होंने कुछ अच्छा छोड़ा था ऐसे कुछ. शगुफा. बट वही है कि सब में कुछ फ्लेवर डालना है उसको, हमें कुछ नहीं, हमने तो हाँ, हमने अपनी तरफ से तो हर चीज को फिल्मी बना दिया है, वो तो है. लेकिन शुरू में भी तो तुम जैसा बोल रहे हो ना, जैसे आग से डर के लोगों ने पूजना शुरू किया. सब चीज की शुरुआत तो ऐसे ही हुई होगी ना, जैसे पहली बार तो हम समझ ही नहीं सकते कि किसी ने देखा तो क्या हुआ. वही तो, ये तो तुम हमें ऐसा लग रहा है ना कि पहले बार करके कुछ हुआ था करके. ये सब थियरी थे कि फायर इन्वेंट किया हम लोगों ने, ये किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ये फायर हमने कहा इन्वेंट किया, लाइटनिंग से. हाँ, लाइट हमने अपने आप जलाना डिस्कवर किया है, लेकिन आग तो लगी है ना अपने आप, जैसे लाइटनिंग वगैरह से. अभी हमने बोला ना, लाइटनिंग से लग जाती है, और टेम्परेचर ज्यादा हो सूखी घास का तो भी लग जाती है. और हमारा बॉडी बना है, गोइंग बैक टू, की पंचभूत है, और उसमें एक है जो कभी भी मुझे समझ में नहीं आया था, जो आकाश वाला होता है. राइट, उसको आकाश बोलते हैं, ईथर को. आकाश बोलते हैं, हाँ, ईथर को बोलते हैं. एंड आकाश इज आई थिंक स्काई नहीं है, स्काई, क्योंकि स्काई तो स्काई तुम क्या बोल रहे हो, जो यहाँ नहीं है उसको स्काई बोल रहे हो. लेकिन उसको स्पेस भी बोलते हैं कई बार. हाँ, स्पेस स्काई वो नहीं, मतलब वो कंटेनेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है उसके. हाँ, क्योंकि वो आकाश नहीं हो सकता, उसमें तो एयर है ना. वही मैं बोल रहा था, एटमॉस्फेयर नहीं है वो. एटमॉस्फेयर नहीं है वो, एटमॉस्फेयर वाला तो ऑलरेडी कवर हो गया ना. वो तो वायु में आता है वो. हाँ, एयर है तो उसका बियॉन्ड जो है स्पेस है वो ईथर है शायद. हाँ, वो है स्पेस है. हाँ. वो नथिंगनेस में जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मनस वाला लेयर में है वो. अच्छा. यू नो, बिकॉज वो, क्योंकि मन जो है उसका कोई वो सॉफ्टवेयर टाइप है ना, वो अनबाउंड है वो. और जो लिमिटलेस है. हाँ, यूजी का जो यूनिवर्सल माइंड थियरी वाला, ये स्पेकुलेशन है, ऑफ कोर्स फैंटेसी स्पेकुलेशन है, बट ऐसे सोच कर आया कि ये सब तो एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसका तुम फील कर सकते हो. राइट, कि यार कुछ यू नो साइंटिफिकली भी तुम उसको मैप कर सकते हो. हाँ, स्पेस का इसीलिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसमें तो कुछ ट्रैवल भी नहीं करता. लेकिन पता नहीं, मुझे, मैं भी काफी कंफ्यूज थी. जैसे बोलते नहीं है कि सूरज की रोशनी आती है पृथ्वी तक, लेकिन स्पेस तो बहुत ठंडा है, तो वो हीट आती कैसे है? वो तो साइंटिफिक तो मुझे नहीं पता कि हीट, जैसे हीट जनरेशन होता है ना, वो तो इससे कि रिएक्शन हीट कहीं और से नहीं आता है. ट्रांसफर नहीं हो रहा है. आई डोंट थिंक इट्स हीट ट्रांसफर. कि वो तुम्हें रिसर्च करना चाहिए उसका. आई थिंक प्रीटी श्योर कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा, गूगल करने पे मिल जाएगा वो. नहीं, वही मैं गूगल करना चाहती हूँ ना, क्योंकि मुझे, मैं उससे बहुत मिस्टिफाइड रहती हूँ कि स्पेस इज लाइक फ्रोजन, राइट, इट इज, मतलब वहाँ पे हीट नहीं है.
और हम बोलते हैं कि सन की एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि वो अपेरेंटली वो फिर वो तुम क्वांटम फिजिक्स सब में चले जा रहे हैं ना, वेव और पार्टिकल में, अब किसी को ब्लॉक कर रहा चाहे लाइट का भी तो वही है ना, हाँ, जब तक ब्लॉक नहीं करोगे वो दिखेगा नहीं, वैसे तो लाइट सब जगह सन, हाँ, पाथ है सब जगह, ब्लॉक करना चाहिए तो स्पेस तुम, डार्क है, हाँ, तो उसमें एक पैरेलल है, तो सब एलिमेंट्स का यही है कि कुछ चाहिए, कुछ कंटेनर चाहिए उसको होल्ड करने के लिए, राइट, ये बॉडी जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें एलिमेंट्स में मैं फिर से जा रहा था, तो मैटर जो है पृथ्वी का जो कुछ भी हो केमिस्ट्री में मैप हो सकता है, राइट, हाँ, तो केमिस्ट्री और वो केमिस्ट्री का क्या है, सब कुछ बेसिस क्या है, एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स वगैरह में है क्या? नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, मतलब उसको तुम और छोटा नहीं कर सकते, वो एटॉमिक सबसे छोटा एंटिटी है, हाँ, मॉलिक्यूल्स तो जैसे दो मिलके बनेगा एटम, तो ये एटम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है ना, वही उन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक, हाँ, एलिमेंट है, मतलब एटॉमिक एलिमेंट है उसके नीचे, लेकिन एक एटम के अंदर ये रहता है ना, एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है, तो उस जो मोशन जो चल रहा है और उसके अंदर भी स्पेस है, बहुत स्पेस बताया है। जाता है कि बहुत स्पेस, हाँ, है, राइट, अपेरेंटली ये सब वही फाइनली वो सब भी देखो कितना है कि साइंटिफिक थियरी सब भी कोई कम नहीं है लूनी थियरी से, कि तब ऑफ कोर्स साइंस वाले आ जाएंगे बताने की एविडेंस है, देखा है, ये एविडेंस देखा नहीं है, दे कैन नॉट सी, भाई वो हमारी आई लेवल पे है नहीं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब इन्फरेंस हुआ, हाँ, है, right? वो उन्होंने डिराइव किया है कि हाँ ऐसा है, या देखा थोड़ी है, तो इतना बड़ा स्पेस वहां पर भी है, राइट, इलेक्ट्रॉन, तो कितना तुम डिवाइड करोगे, राइट, तो एंड ऑफ द डे एक जमाने में एटम तक भी नहीं गए थे तुम, राइट, तो उसके अंदर तुम जाओगे, माइक्रो वर्सेस मैक्रो का सब कुछ तो बोलते हैं ना वो, तो तुम कितना अंदर जाओगे, तुमने शायद एक बार बताया था कि तुम इतना अंदर जाके देखो तो इट इज द सेम थिंग एज तुम जितना बाहर आउटवर्ड एक्सपोर्ट करो, हाँ, मैंने अपनी ऑल्कलाइन सीरीज में वही लिखा है कि तुम जितना डीप जाते हो उतना सेपरेशन बढ़ता है, हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं और लेकिन हम और डिवाइड कर रहे हैं, आई नो, बट मैं ये सोच रहा था एक्चुअली, मैं कुछ और बोल रहा था कि तुम डीप जाके इतना डीप में इट प्रोबेबली बिकम्स मीनिंगलेस, जस्ट लाइक इफ यू तुम ऊपर जा रहे हो, हाँ, जैसे स्पेस एक्सप्लोर में जाते हो तो भी मीनिंगलेस बन जाता है कि इट्स लाइक दूर तक कुछ नहीं है, हाँ। जैसे ब्रह्मांड बोलते हैं ना, इतना वास्टनेस है कि तुम कंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम वैसे ही अंदर, मुझे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स बहुत ही बेकार के थे 11th-12th में बीएनआर करके, और एक बार बहुत कुछ तो मुझे और वही दोस्त जो मैं बात कर रहा था उनको पकड़ के काफी सस्पेंड वगैरह भी किया था, हमें पता नहीं हमने कुछ भी नहीं किया था फिर भी, तो वो याद है बीएनआर करके थे वो ना एक पैसे का पढ़ाते नहीं थे फिजिक्स का, और ना पूरे टर्म में एक साल में वो शायद 3 या 4 बार उन्होंने क्लास लिया था, और बातें बनाते रहते, मैं एटम के अंदर बैठा था 6 साल, मतलब वो रिसर्च करते थे एटम के अंदर मैं बैठा था 6 साल, तो वो हम लोग देखे थे, लेकिन उनका हैंड राइटिंग वॉज वेरी, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग, बोर्ड में लिखना तो बहुत मुश्किल होता, हाँ, बोर्ड में मुश्किल होता है, कभी कभी कहीं तो आता था वो, मतलब यू नो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण टाइप, साल में 2 बार कुछ वो करते थे ऐसे लेते थे, तो हमें लगता था कि इसको तो आता है, सब्जेक्ट आता है, सिखाता नहीं है, तो वो बैठे ना एटम में बैठे थे, एटम में बैठे थे बता रहे थे वो याद आया, तो बीएनआर जो थे उससे बात करना चाहिए मेरे दोस्त से कि याद है क्या वो बंदा, तो एटम में उन्होंने बैठे थे अंदर वो जो हाँ, तो लेकिन आई थिंक कंफ्यूजन वही है कि वो जो 5 एलिमेंट्स जो जैसे मैंने जो लिया है, मैंने ऐत्रेय उपनिषद से लिया है, शायद मैं ठीक से नहीं बोल रही हूँ नाम, लेकिन मैंने उसमें से देख करके अपनी सीरीज में लिखा है, जो मैंने किताब लिखी है उसमें,
लेकिन मुझे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ठीक से मिला नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश में तो साइंटिफिकली है ना सब, और अगर रिलीजियस उसमें जाओगे क्रिश्चियनिटी वगैरह में तो उसमें तो उस लेवल पे बात ही नहीं है। किस लेवल पे? रूट एलिमेंट्स इन सब लेवल पे बात ही नहीं है, उसमें तो बहुत ऊपर है कि सब कुछ इंसानों के लिए बनाया भगवान ने। हाँ लेकिन एक बार तुमको मैंने ये बताया था याद है कि ऐसे नहीं है, देखो हर एक बंदा ने देखा है और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है राइट। तो उसमें ये था कि एक तुम देख ऐसे लेवल पे तुम देख सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन लेवल पे देख सकते हो कि हाँ भाई मजे करने के लिए सब बनाए हैं, तुम जाके मजे करो, सब तुम्हारे लिए ही बनाया गया है करके। दूसरा चीज, दूसरा एंगल तुम ऐसे देख सकते हो कि तुम क्रिएटर हो, जैसे जो सृष्टि जो आया है सोर्स वही से तुम्हारा आया और वही से वो कहीं वो छपा था मुझे कि वो जो बताता कि देन देयर वाज लाइट या कुछ बोलते हैं ना। हाँ। पहले भगवान ने कुछ लाइट बनाया फिर हाँ। ये बनाया ऐसे नहीं कि कोई बैठ के जैसे इमीडिएटली हमें लगता है कि कोई वहां बैठ के ऐसे ऐसे करके लाइट बना रहा है ऐसे ऐसे नहीं, मतलब कि तुमने इन्वोक किया ना समथिंग, सम इंटेलिजेंस, कोई तो इंटेलिजेंस था जिसने ऐसे इन्वोक करके ये किया। जैसे मास अभी मैं पढ़ रहा था किसी वो जो कंट्रोवर्सी के पीछे न्यूज लुकअप कर रहा था, मास में कुछ वाराणसी में कुछ लिंगा के बारे में, तो कहीं से तो वो आर्टिकल लेकर गया लिंगा के ऊपर राइट। तो लिंग जो शिवलिंग जो लिंगा है वो सदगुरु का आर्टिकल आ गया वहां पर उनका, वो तो बड़े ये है ना कि उनका कुछ फेवरेट टॉपिक है वो शिवलिंग। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली शिवा बाय दिस टाइम कई लोगों के पास ये कॉमन नॉलेज बन चुका है कि शिवा वो है जो उसको बताने की कोशिश कर रहे हो जो नथिंगनेस है, जो है नहीं टाइप, या आजकल वो भी एक गॉड पार्टिकल या एंटी मैटर ये सब जो है राइट, उसको बोले शिवा जो है नहीं, जो मैटर और एनर्जी के अंदर जो आता ही नहीं है राइट। उसका जो फिर जो आता है मैटर एनर्जी, उसमें ये बताया जा रहा था पहले वो एलिप्टॉइड से बना है वो, अच्छा करके उसमें था, मैं मेरा नहीं उनका थियरी है कि एलिप्टॉइड से पहले फर्स्ट मोमेंट वहीं पर हुआ था राइट। तो ऐसे फॉर्मेशन मास और एनर्जी का, तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है ना ये सब, एंड ऑफ द डे सब कुछ, हाँ एवरीथिंग। हाँ साइंटिफिकली वैसा देखा जाए तो जो मास एनर्जी वाला ये क्या था ये क्वेश्चन वो याद आता है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर नित्यानंदा का यम सी स्क्वायर वाला। तो वो भी हालांकि कभी कभी बताता है, मतलब उसको थियरी कुछ पता चल गया है बहुत सारे चीज़ें, उसको भी कुछ पता चला है, क्योंकि थियरी पता चलने में किसी को भी पता चल सकता है राइट। हाँ लेकिन मेरा लेकिन ये है, देखो भाई मैं नित्यानंदा के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी गुरु के अगेंस्ट नहीं हूँ जो स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे सब कोई इंसान है ठीक है। तो या इनफैक्ट मोरालिटी के ऊपर इतना स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, वही तो मोरालिटी को लेकर पता नहीं क्यों शोर मचाते रहते हैं लोग, जैसे खुद नहीं करते कुछ। लेकिन एक लेकिन यूजी का तुम एग्जांपल देखोगे कि बार बार वही पर आता है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड बना रखा है यूजी का या जगह तो, लेकिन उनका ये था कि वो मोरालिटी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे राइट। बट एट द सेम टाइम जो कुछ भी चोर था, जो गुरु था, जो ठग रहा था, उनके ऊपर उनका बहुत स्ट्रांग ओपिनियन था, वो उनको पसंद नहीं था ये सब कि कोई ठग रहा है दूसरे को, इसके गुरु इसके बारे में वो पसंद नहीं था उनको। उसके उसको लेकर वो थोड़ा या वो उसके ऊपर कुछ था उनको, शायद ये भी हो सकता है पर्सनली कि उनको खुद ऐसे लगा पूरा जिंदगी गुरु लोगों के पीछे वो पढ़ने के बाद उनको लगा कि नो बर्बाद किया, टाइम बर्बाद हो गया, बर्बाद हुआ करके वो बोल रहे थे ना कि, और कई सारे लोग मे बी इट माइट बी जस्ट स्मॉल यू नो एम्पैथी टुवर्ड्स कि दूसरों का ऐसा ना, बट एट द सेम टाइम वो भी बताया ना है कि मुझे क्या लेना देना है ताकि तुम, हाँ तुमको गुरु चाहिए तो जाओ ढूंढो गुरु, इतने सारे बैठे हैं। मोरालिटी के बारे में तुम बोल रहे थे शायद कि यूजी ने, यूजी को मोरालिटी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ही वाज अ वेरी मोरल पर्सन। हाँ वो कभी वो बोलते थे ना कि मेरा एक्शंस कभी चेंज नहीं, ये नहीं होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है उससे। एंड वो ये भी बोलते थे कि तुम्हें ना जो करना है जाके करो, इफ द होल सोसाइटी सेज
कि तुम सोसाइटी बोलता है कि ये गलत है तो उसका भरो तुम, हाँ, दंड भरो, दंड भरो बस। तो लेकिन वैसा नहीं है ना कि ये गेम बना रखा है कि मैं करूंगा लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। अरे लेकिन बैक टू एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स, मैंने बाय द वे एथियन उपनिषद में जब रिसर्च किया था अपनी बुक के लिए, तो मुझे पता चला कि उसमें आठ हैं। अच्छा, तीन और पंचभूत नहीं है, पंचभूत सिर्फ इसके लिए है, माया वाली चीजों के लिए। हाँ, लेकिन माया इटसेल्फ इज मेजर से ये है कि फिर वही सोच रहा था, मैं कनेक्ट कर रहा था, हाँ, मास एनर्जी वाला जो सब कुछ भी बना है, जो तुम जो केमिस्ट्री वाला एलिमेंट्स बनाए सब, इसमें इट्स ऑल, सब लोग बताए सब माया है, क्योंकि इट इज मूवमेंट, मूवमेंट है, राइट, कुछ चेंज है, कुछ चेंज हो रहा है, एंड वो इसीलिए बताया जा रही है। ऐसा नहीं कि माया है, मतलब कि सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा नहीं है कि माया मतलब सब, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ चेंज, कुछ चेंज हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, कोई कुछ किसी जैसे एलिमेंट, जैसे फायर आता है किसी चीज के साथ तो बदल देता है किसी एलिमेंट, हाँ, वो उसका केमिस्ट्री बदल देता है, हाँ, तो जैसे पानी डालते हो तो कुछ और बना, पानी इटसेल्फ इज सो मिराकुलस। वैसे पानी के बारे में हमने बात नहीं किया, कई वो सूडो साइंस करके बहुत सारे चीज डिसमिस करते है ना वाटर मेमोरी के बारे में, लेकिन वाटर में तो सच में मेमोरी है, पता नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए भाई गूगल, नो भाई, उसको सूडो साइंस करके कई लोग डिसमिस करते हैं, बट मुझे नहीं पता। द थिंग इज कि हमने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि मेमोरी, मेमोरी आखिर क्या है, राइट, मेमोरी तो वैसे अस्टोनिश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेमोरी तो सीड में भी है, राइट, तो हाँ, वो ही इंटेलिजेंस है ना मेमोरी। गोइंग बैक टू वो वाला कहानी जो मैं बताया था ना तुमको, वो याद आता है मुझे कि जो वो बाबा जी को ढूंढ के गए थे कहीं, कोई मुझको बताया कि गुफा में बैठे थे और उन्होंने बोला तुम कितने साल के हो करके बाबा जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं 800 साल का हूँ। तो ये बोल रहे कि अरे 800 साल मतलब ऐसे, तो बोल रहे कि इतना तुम शॉक क्यों वो कर रहे हो, इतना तुम्हें करना है, वंडर करना है, जो आश्चर्यचकित हो रहे हो तुम, दुनिया में कुछ भी देखो वो ऐसे ही है, जो नेचुरल चीजें आश्चर्यजनक ही है, तुम जस्ट बिकॉज ये स्टैटिस्टिकली कुछ और है तो तुम बहुत ये कर रहे हो, दुनिया में देखो कहीं भी देखो आश्चर्यजनक चीजें हो रहे हैं, जैसे वो छोटा सा सीड में कितना मेमोरी है, हाँ, छोटी सी सीड से हमेशा वैसा ही पेड़ बनता है, वो चीज कोई समझता ही नहीं है, वो तो नेचर है, नेचर को इतना डिसमिस कर रखा है कि कोई बेवकूफ है नेचर की, उसको तो एक ही चीज आता है करना, हाँ, लेकिन देखो प्रकृति में जो इंटेलिजेंस है वो इंसान आज तक करने की कोशिश की ही जा रहा है, लेकिन परफेक्शन नहीं आया है यार। लेकिन टाइम हॉराइजन में तुम देखो कि हमने इतना ही देखा है, राइट, कि वैसे देखा जाए तो ये एलिमेंट्स भी जो हमने देखा है इसका नेचर है बोलते हैं ना, हाँ, ये ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन वही एक स्पेकुलेटिव थियरी है ये भी कि ओवर लॉन्गेस्ट टाइम हॉराइजन बिलियंस ऑफ इयर्स में ऐसा बिहेवियर ना करे, चेंज कर दे, हाँ, वो सब वो कुछ मैंने... और मार्क हो जाए, आई डोंट नो कि यू नो द, बट एट द प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नेचुरल एलिमेंट स्टेबल टाइप रखा है, राइट बिहेवियर, हाँ, तो लेकिन आई थिंक आज की डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि वो जो पांच एलिमेंट्स हमने अभी कंक्लूड क्यों करते हो सब कुछ कि कोई कंक्लूजन लाइफ में कोई कंक्लूजन नहीं है, नहीं, मेरे पॉडकास्ट का कंक्लूजन होगा तो कंक्लूजन ये है कि वो पांच एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इंसान जो बने हैं जिंदगी में जब से हमने शुरू किया है समझना, वो टाइम बहुत कम है कंपैरिजन में कि हमारी जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत पहले बना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आग आग की तरह ही रहेगी या रही होगी शुरू में, ये सब हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हमने ये सब देखना और समझना अब भाई ब्रह्मांड के कंपैरिजन में बहुत कम समय है दिया है हमने उसको समझने में, इसीलिए बोलते हैं लाइफ जो एक्सपीरियंस जो है वो एक बबल बोलते हैं ना, हाँ, पानी के ऊपर जो है, हाँ, बबल को क्या बोलते हैं, बबल को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बबल जो है पानी के ऊपर जो बबल बनता है उतना मोमेंट्री होता है बोलते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस लाइफ एक्सपीरियंस कंपैरिजन में बहुत छोटा है,
तो उसके तो इसीलिए अब फिलहाल तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हम पांच भूत से बने. अब वो तीन पता नहीं एक्स्ट्रा जो तुमने ऐड किया. हाँ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, मैंने कॉन्शियसनेस मेमोरी और डिजायर ऐड किया है क्योंकि मैंने पढ़ा था कि आठ हैं. हाँ हालांकि एक और थियरी है पांच आठ कॉन्शियसनेस कौन सा कॉन्शियसनेस डिजायर और मेमोरी. मेमोरी अच्छा वो उपनिषद में था. हाँ मैंने मैंने मतलब समझ के उसको ट्रांसलेट किया है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस तरीके से ऑब्वियसली. पर मैंने मेरी बुक तो फिक्शन है ना, लेकिन मैंने उसमें ऐसा समझने की कोशिश की, लेकिन वो फिक्शन है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उपनिषद ट्रांसलेट करके सबको बता रही हूँ भाई अब ये है. कुछ नहीं है. बट अगेन इन सबको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे सेपरेशन और नेमिंग कर रहे हैं हम लोग बस. राइट वैसे तो इट्स का एंडलेस है कि हाँ, नाम दे पांच करो या पचास करो, इट्स लाइक इट्स अप टू यू. बिल्कुल आपने ऊपर है क्योंकि हम नाम ही दे रहे हैं बस और क्या. कई लोगों का ये थियरी है अब वाटर के बारे में कितना उछाला गया है कि वाटर तो बहुत यूनिक है ना. वाटर में कुछ साइंटिफिकली भी एक अनोमली है. वाटर में पानी में एक अनोमली है कि वो फ्रीज होने पे उसका वॉल्यूम के बारे में कुछ है ना बढ़ जाता है. बढ़ जाता है और ऐसे कुछ तो दो तीन अनोमली से मैंने एक पढ़ा था कुछ हाँ, कि चेंज होता है मतलब किया. हाँ, मतलब कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स अदर एलिमेंट मतलब कोई और लिक्विड. हाँ कोई और लिक्विड मतलब पानी अलग है उसका अनोमली है. उसको टैप करके कुछ और इन्होंने साइंटिफिकली कुछ बनाया था. मैंने कई डॉक्यूमेंट्री में लुकअप करना पड़ेगा वो. बट पानी के बारे में बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना परसेंट है भाई 70% 70% वाटर करके थियरी उड़ाया जाता है कि तुम 70% वाटर हो इसलिए मून इसमें ये आता है करके. हाँ, तो उसमें चांद की ग्रेविटी से हमारा हाँ, मूड या बट वो पता नहीं साइंटिफिक लिंक करने की सब जरूरत नहीं है क्योंकि तब जब तुम साइंस को इतना ज्यादा मार्केटिंग की गई है कि साइंस में तुम करोगे तो तुरंत आ जाएंगे कि ये सूडा साइंस है पता नहीं कि इसका कोई ये नहीं है. तो आई डोंट थिंक कि साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है. मतलब जरूरत है नहीं कि साइंस में यूज करना बट इट्स जस्ट दैट कि उसको समहाउ बता दिया गया है कि वो ये गोइंग बैक टू सेम उपनिषद के बारे में भी यूजी ने एक बताया था कि यूजी ने एक बताया था कि उपनिषद के बारे में कि स्वप्रामाण्य करके उसको बोलते थे कि मतलब ये कंडेम करते थे कि मतलब स्वप्रामाण्य मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही है दैट्स द हाइपोथेसिस उसी से बिल्ड हुआ है टाइप. हाँ तो सबका यही है ना जिसने भी रिलीजन शुरू किया मैंने जो बोला वही सच है क्योंकि मुझे भगवान ने आके बताया है. नहीं भगवान ने आके बताया इज डिफरेंट. स्वप्रामाण्य मतलब कि उसको कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. ओ, वो अपने आप उद्भव करके वो भी होता है कई बार मैं रिलीजियस टेंपल वगैरह में उद्भव गणपति ये सब रहता है. इसके बारे में मूवी भी आया था कि अपने आप आ जाता है. अच्छा यहाँ अंदर से निकला है पृथ्वी में मतलब कहीं से आया नहीं वो अपने अच्छा, प्रकट हो गया. हाँ प्रकट टाइप प्रकट हो गया. अच्छा तो वो वैसे ही हो गया. साइंटिफिक का मतलब ये हो गया कि सेल्फ वैलिडेटिंग टाइप हो रहा है कि टू यूज साइंस आर्गुमेंट के लिए राइट. तो वो एक अलग टैंजेंट में चला गया. बट एनीवे वो मून फेस का जो है वो प्रॉब्ली दूसरे दिन टॉपिक कर सकते हैं क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि वो तो होता ही है. हाँ हाँ तुम बहुत इंड्यूस करते थे अपने को मुझे याद है जब मैं तुमसे शुरू में मिली थी. चलो खैर वो सब वो हम बाद में बात करेंगे लेकिन आई थिंक पांचों एलिमेंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं. पांचों कर लिया ना हमने. तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.